भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार का नियम शुरू किया है, सब बिल पास करने के लिए क्या बोलते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब गरीब सवर्ण को आरक्षण देना हुआ तो 72 घंटे में 10% आरक्षण दे दिया। ना कोई पत्राचार हुआ, ना कोई कमीशन बैठा। वहीं पिछड़े समाज के निषाद बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, माझी, मझवार, इनको आरक्षण देने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि विधानसभा से प्रस्ताव पास हो, फिर विधान परिषद में, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तब आरजीआई के पास जाए। अभी विगत 17 दिसंबर को निषाद पार्टी की तरफ से एक आंदोलन आरक्षण को लेकर के माननीय अमित शाह जी को रमाबाई अम्बेडकर मैदान में बुलाया गया और पूरे प्रदेश के आरक्षण चाहने वाले जो पिछड़े समाज के लोग थे वो गए, लेकिन माननीय अमित शाह जी ने वहां आरक्षण पे चर्चा ही नहीं किया और लोग नाराज हो गए, नारेबाजी लगाने लगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तमाम वहां हजारों कुर्सियां तोड़ी गई, विरोध पूरे प्रदेश में चरम पे हो गया। जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ड्रामा शुरू किया है। इन्होंने माननीय संजय निषाद जी से एक चिट्ठी लिखवाया मुख्यमंत्री के नाम से कि आरजीआई को पत्र लिखिए आप हमको, तो फिर सरकार आरजीआई को पत्र लिख रही है, जबकि आरजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहले ही एफिडेविट दे रखा है कि जब तक विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। ये पत्राचार सिर्फ इस नाते कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये झूठ बोलना शुरू कर।